ओके सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सलेंद्र। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं पेटीएम से आप लोग तत्काल टिकट या फिर नॉर्मल टिकट जो कि 120 दिन पहले जो टिकट बुकिंग होता है वो आप किस प्रकार कर सकते हैं। तो सिंपल आप लोगों को करना क्या है, प्ले स्टोर ओपन करना है और सर्च बार में सर्च कर लेना है पेटीएम। इसके बाद आपको पेटीएम को अपडेट कर लेना है, अपडेट करने के बाद ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएंगे। तो आपको सिंपल करना क्या है, सर्च बार पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है ट्रेन टिकट। तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपल आपको ट्रेन टिकट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट में आपको बुक टिकट का ऑप्शन मिल जाता है, सेकेंड में आपको चेक पीएनआर, थर्ड में आपको ट्रेन स्टेटस और थर्ड में आपको मेट्रो। तो सिंपल आपको यहाँ पर ट्रेन टिकट बुक करना है। तो सिंपल आपको यहाँ पे बुक टिकट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे स्टेशन सेलेक्ट करना था, सिंपल मैं यहाँ पे न्यू दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको जाना कहाँ है, तो सिंपल हमें मुजफ्फरपुर जाना है तो मैं मुजफ्फरपुर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको करना क्या है, डेट ऑफ जर्नी पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद किस डेट में आप सफ़र करना चाह रहे हैं, तत्काल टिकट बुक करेंगे तो आपको एक दिन आगे का बुक करना है। यदि आप नॉर्मल टिकट यानी कि जनरल टिकट बुक करना चाह रहे हैं जो कि 120 दिन पहले बुक होता है तो वो भी टिकट आप बुक कर सकते हैं। तो फिलहाल मालूम है 19 तारीख का बुक करना है तो 19 तारीख सेलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद ट्रेन सर्च पर क्लिक करेंगे। ट्रेन सर्च पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जिस ट्रेन में आपको अवेलेबल होगा यहाँ पे अवेलेबल देखने को मिल जाएंगे। देख सकते हैं जैसे कि तत्काल में इसमें खाली है तो यहाँ पे शो कर रहा है। तो कुछ इस तरह से आपके सामने कुछ देखने को मिल जाते हैं। तो आपको जिस ट्रेन में आपको टिकट बुक करना है तो बिल्कुल आसानी से टिकट बुक कर सकते हैं। तो सिंपल सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर स्लीपर में 22 सीट अवेलेबल दिखा रहा है, तो सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको पोस्टेड विथ ट्रेन सेलेक्शन पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस ट्रेन में आपको 56 वेटिंग चल रहा है। यदि इस ट्रेन में टिकट बुक करना है तो डायरेक्ट यहाँ से आप बुक नाउ पे क्लिक करेंगे, सॉरी बुक पे क्लिक करेंगे, या अदर ट्रेन सेलेक्ट करना है तो अदर ट्रेन भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल में हमें बुक करना है तो बुक पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मेल फीमेल सेलेक्ट करना है। मेल है तो मेल सेलेक्ट कीजिए, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट कीजिए। तो मैं यहाँ पर मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको नाम डालना है, तो सिंपल मैं यहाँ पर नाम टाइप कर देता हूँ। इसके बाद मैंने विकास डाल दिया हूँ। इसके बाद एज डालना है, एज में 20 कर देता हूँ। इसके बाद बर्थ यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ, अपर बर्थ, जो भी आप सेलेक्ट करना चाह रहे कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको डन करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक पैसेंजर का डिटेल यहाँ पे सेव कर दिया हूँ। तो आप इस तरह से यदि तत्काल टिकट बुक करेंगे तो एक साथ 4 टिकट बुक कर सकते हैं। यदि नॉर्मल टिकट बुक कर रहे हैं जो 120 दिन पहले बुक होता है तो एक साथ आप 6 टिकट बुक कर सकते हैं, यानी कि 6 पैसेंजर नाम ऐड कर सकते हैं। यदि सेकेंड आपको ऐड करना है तो सिंपल ऐड पैसेंजर पर क्लिक करेंगे और इसके बाद फिर से आपको यहाँ से ऐड कर लेना है। तो इस तरह से आप 1 बाय 1 करके 6 पैसेंजर डिटेल का नाम फिल कर सकते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल नंबर आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। जिस नंबर से आपको पेटीएम बना होगा वही पेटीएम नंबर शो यहाँ पे कर देगा, यानी कि जो पेटीएम आईडी आपको लॉगिन होगा। इसके बाद नीचे की तरफ करेंगे, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी टाइप करना है, तो फटाफट मैं ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। इसके बाद नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर देख सकते हैं एड्रेस लाइन लिखना है। तो आपको फर्स्ट में जहाँ जाना है आपको वहाँ लिखना है, तो मैं सिंपल यहाँ पर बिहार कर देता हूँ। पिन कोड डालना है तो यहाँ पर पिन कोड में मैं डाल देता हूँ। देख सकते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे सर्च हो चुका है। इसके बाद नीचे की तरफ क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रोसेस टू पे पे क्लिक करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, फर्स्ट और सेकेंड। सेकेंड पे आपको क्लिक करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर से वेरीफाई करना पड़ेगा, यानी कि मोबाइल पर आपके OTP आएंगे। फर्स्ट पर आपको सिर्फ पासवर्ड फिल करना है। तो सिंपल मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको IRCTC से भी जो अकाउंट बना रखे होंगे उस यहाँ पे यूजर नेम आपको टाइप करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहले टाइप कर दिया हूँ तो इसलिए यहाँ पे हमें टाइप करने का ऑप्शन नहीं आया है। इसके बाद सिंपल आपको प्रोसेस टू पे पे क्लिक करेंगे। इसके बाद सिंपल आप देख सकते हैं मैं फाइनली पेमेंट पे आ चुका हूँ। तो यहाँ से आपको पेमेंट करना है। सिंपल आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या पेटीएम वॉलेट से भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आप बिल्कुल आसानी से इस तरह से आप टिकट बुक कर सकते हैं पेटीएम से भी। तो बस आज के वीडियो में बस इतना। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।